हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम आकार सिंह, योर इंग्लिश टीचर, क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट, प्रोज। डियर स्टूडेंट्स, प्रोज का लेसन नंबर 1 चल रहा है, जिसके मैंने क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए हैं, स्टडी लगवा दी है लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2nd का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2nd है, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर इसका देखिए 1 है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। यानी कि इसके क्वेश्चन 3 हैं और इन तीनों के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों के आंसर आपको इन्हें अच्छी तरीके से कंटिन्यू अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। ओके, कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, यानी कि मैं इसे नहीं पा सकता था। देखिए, इसके क्वेश्चन नंबर, इसके इस क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु सेज दीज वर्ड्स, यानी कि इन शब्दों को कौन कहता है। तो आंसर हो जाएगा, टॉमी सेड दीज वर्ड्स। देख रहा है स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर। तो ये शब्द कौन कहता है? इन शब्दों को टॉमी कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2nd हो जाएगा, व्हाट डज इट रिफर्स टू, और देखिए यह किसको रिफर्स करता है। तो इसका आंसर है 2nd, इट रिफर्स टू द टेलीविज़न स्क्रीन ऑन विच यू कुड रीड ओवर ए मिलियन बुक्स। अब देखिए, यह है क्या, किसे रिफर करता है? ये टेलीविज़न को और कंप्यूटर को और मोबाइल को रिफर्स करता है, क्योंकि हम आजकल वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं और इन सब में क्या है, इस समय जो है इलेक्ट्रिक, वही इलेक्ट्रिक रीडिंग चल रही है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। अब देखिए, इसमें जो है स्पीकर वक्ता के द्वारा किसकी कंपेयर की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3rd का आंसर है, टॉमी इज कंपेयरिंग द टेलीविज़न स्क्रीन टू द रियल बुक। देखिए, यहाँ जो टॉमी है, ये टेलीविज़न की स्क्रीन की कंपेयर किससे कर रहा है? रियल बुक से। इन ईयरलियर टाइम्स, इन, देखिए पहले समय में क्या था, बुक से पढ़ाई की जाती थी, लेकिन अब कंप्यूटर से, टीवी से और मोबाइल से, यूट्यूब पर पढ़ाई चल रही है आपकी, वर्चुअल क्लासिंग, ठीक है। विच वर्ड्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जो शब्द पेपर पर प्रिंटेड होते थे, ही थॉट्स दैट आफ्टर रीडिंग सच बुक्स वन would have to throw them away, however he would never have to throw away his tally books. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो कंपेयर की गई है वो वर्चुअल क्लासों की गई है, क्योंकि पहले समय में जो है ये सारे वर्ड जिन्हें हम देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं, टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये सब पहले कहाँ होते थे? ये सब बुक में प्रिंटेड होते थे, लेकिन आजकल ये सब ई बुक बन चुके हैं, जो हमें कंप्यूटर पर बहुत सारी बुकों में, बहुत सारी स्टडी में मिल जाती हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपको ये 1 करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3rd का, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1st और 1st के मैंने सारे कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 2nd का, पहला का, पहले के 3 है वो करा दिए हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 3rd आया, 3rd का पहला वाला देख लीजिए, इसे भी आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट करना और लर्न करना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। देखिए, प्रत्येक प्रश्न का जो आपको
आंसर देना है, एक शॉर्ट पैराग्राफ में देना है जो केवल 30 शब्दों का होना चाहिए, ठीक है, अबाउट 30 वर्ड्स, 30 शब्दों का। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। देखिए मार्गी और टॉमी किस प्रकार का अध्यापक रखते हैं, तो आंसर हो जाएगा मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मैकेनिकल टीचर सकते हैं, मैकेनिकल मीन्स जैसे कि मिस्त्री होता है, ठीक है। दे वर लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली एंड हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शुड एंड क्वेश्चंस वर आस्क। देखिए इस पे क्या है, स्क्रीन पे यूट्यूब पे देखते हैं आप, टेलीविज़न की स्क्रीन पे देखते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं कि बहुत बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और इन्हें कोई ना कोई आपको समझाता हुआ दिखता है, ठीक है। तो इस पे आपके जो भी शॉर्ट लॉन्ग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपकी नोटबुक में, नोटबुकों में मिलते थे पहले, है ना, गाइड, जिसे हम गाइड कह सकते हैं, बुक्स कह सकते हैं, उनमें आपको ये प्रश्न मिलते थे। तो दीस मैकेनिकल टीचर्स, और ये जो मैकेनिकल टीचर्स हैं, हैड ए स्लॉट इन विच द स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और देखिए ये क्या है, ये जो हैं आपके ऑनलाइन, जैसे कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, उन्हें चेक करते हैं, आपके होमवर्क को चेक करते हैं, ठीक है। दे हैड टू राइट देयर आंसर इन ए पंच कोड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमिडिएटली। और देखिए जब आप क्वेश्चन पेपर या अपना टेस्ट पेपर करके सबमिट कर देते हैं, तो जो मैकेनिकल मास्टर होता है वो आपके क्वेश्चनों का बिल्कुल इमिडिएटली, एकदम आपने इधर सबमिट किया उधर आपके आंसर कलेक्ट हो गए, ठीक है, जो रॉन्ग है रॉन्ग, जो आंसर है वो आंसर कलेक्ट हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यही है आपका मैकेनिकल टीचर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से करने हैं, जिन पे मैंने टिक लगा रखा है, जो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं, अदरवाइज नहीं करने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन सारे आपकी बुक में भी हैं, जो बुक में मैं वही करा रहा हूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को फेसबुक ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। ओके, गुड बाय, टेक केयर।